नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फास्ट लैपटॉप रिपेयर सेंटर में। आज दोबारा एक फिर डेल का ही लैपटॉप रिपेयर हुआ है, जो कि ये एंसर का है। इनका ये लैपटॉप है। ये अभी हमारे शॉप में आए हैं, हम हमारा वीडियो को देख करते हैं, और इन्हीं का ये लैपटॉप का मदरबोर्ड है। इसमें समस्या है कि पावर ऑन नहीं हो रहा, यह लैपटॉप पूरी तरह से डेड है, जो कि इसको हम अब जल्दी ये मशीन से हम चेक कर रहे हैं। ये वाली मशीन है, 19 वोल्ट का आउटपुट है। ये इसका डीसी सॉकेट है, इसमें हम प्लग इन करते हैं तो लैपटॉप फुली तरह शॉर्ट है। ये देखिए यहाँ पर है, ये मशीन फुल एम्पियर, ये रेड सिग्नल भी दे दिया कि यानी कि लैपटॉप आपका पूरा डेड है। ये रेड सिग्नल से ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट बता रहा है। इसको अब हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं क्या क्या समस्या है, उनके बाद इसके बाद इन सर को मैं बताऊँगा क्या क्या खराबी है इसमें, और इनसे परमिशन ले करके इस पर काम किया जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहें। वीडियो में बने रहें। कॉफी चेक हो रहा भी है। इनका पावर सेक्शन है, पावर सेक्शन में 19 वोल्ट का जो जो सेक्शन में ड्राइव हो रहा है, उस सेक्शन का एक ये सी लाइन है, उसी को मैं चेक कर रहा हूँ। और इसमें मॉस्फेट आईसी वही सेक्शन को मैं चेक कर रहा हूँ। मुझे लगभग सेक्शन में शॉर्ट नज़र आ रहा है, मैं इसे चेक करके आगे का काम करूँगा। ये पूरी तरह से डेड लैपटॉप है, ये स्टैंड बाई सप्लाई बोलते हैं, इसमें 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ड्राइव होता है। ये सेक्शन डीसी सेक्शन में से 19 वोल्ट का ड्राइविंग होता है, 19 वोल्ट उस एरिया से आकर के पूरे सेक्शन में ड्राइव करता है। और ये इसका ये एक सेक्शन हुआ, यहाँ भी एक सेक्शन हो गया, इसको रन सेक्शन बोलते हैं। बहुत सारे सेक्शन है, बहुत तरह का होता है सेक्शन। या सीपीयू सेक्शन, या प्रोसेसर इसको कहते हैं, रैम हो गया, यहाँ पे वाईफाई कार्ड हमारा लगता है, जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं ना वाईफाई कार्ड का, वो ये रहा। ये बायोस चिप बोलते हैं, इसी में बायो इनपुट और आउटपुट का प्रोग्रामिंग होता है। और मैं चलिए मैं इसे मैं आप फिर से ओपन करके देखता हूँ क्या खराबी है इसमें। अभी तो मुझे ये फिलहाल शॉर्ट नज़र आ रहा है, इसमें प्रॉपर ओपन डिसम्बल करके ही चेक करूँगा क्या क्या खराबी है। ओके ये हीट सिंक है, ये फैन है, ये हीट सिंक इस प्रोसेसर से हीट को लेकर के यहाँ पर लाएगा इस एरिया में, और इस हीट को ये फैन मूव करके बाहर फेंकेगा, ठंडा कर देता हाँ ठंडा करता है। ये प्रोसेसर यहाँ से ऐसे लेगा, हीट को यहाँ पर लाएगा, इस गर्मी को यहाँ ला करके ये फैन एयर फ्लो करके इसको ठंडा करेगा, आएगा गर्मी ठंडा होगा। इस तरीके से हमारा टाइम टेकिंग बढ़ जाता है लैपटॉप को ऑन होने का। अगर ये फैन ने मूव नहीं करेगा आपका, तो लैपटॉप हीट होकर के बंद होगा, ओवर हीट होगा, शटडाउन होगा, बंद हो जाएगा। और जैसे कि देखिए, कस्टमर का हम लोग अगर बोर्ड अपने पास लाते हैं रिपेयर करने के लिए, ये देखिए जिन जो भैया का है उनका साइन हम लोग करवा लेते हैं, ये इनका फैन है, ये देखिए ये इनका रैम है, रैम पे भी इनका साइन है, और देखिए इनका मदरबोर्ड है, ये देखिए इनका मदरबोर्ड पे साइन रख करवाए हैं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ बहुत सारे सामान है उसमें मर्ज हो जाए, फिर मिस हो जाए, भैया बोले नहीं कि ये मेरा नहीं है। इस सब चीज़ के भी हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे ध्यान देते हैं कि कस्टमर को किसी तरह से शिकायत नहीं हो। चलिए मैं अब चेक करता हूँ और बताता हूँ। इस सब सेक्शन में ही शॉर्टिंग है, सब सेक्शन में डाउट है, और मैं सर से बात कर लेता हूँ अमाउंट के बारे में। जो खराबी मुझे नज़र आ रहा है, इस सेक्शन में भी शॉर्टिंग है, इस सेक्शन में भी शॉर्टिंग है, और इस सेक्शन में भी शॉर्ट नज़र आ रहा है, इससे मैं बात कर लेता हूँ सर से, उसके बाद मैं इसका कार्य करूँगा। सो दैट आप इंतज़ार कीजिए।
स्टॉप काची कल काची रहेंगे उसमें। जो पार्ट्स डैमेज है उसी को निकाल रहा हूँ। पेस्ट वाला ब्रश देख रहा हूँ, पेस्ट वाला उधर से दो तो। ऐसे करके रखा है। ऑन किए हैं बोलिए। ये सब पार्ट्स डैमेज है, ये वाली ये सब पार्ट्स डैमेज है, ये सब हम नया लगाएंगे। ये एरिया का पार्ट्स डैमेज है, ये सब नया लगाएंगे। चलिए अब इसको लगाने के बाद चेक करते हैं क्या क्या है समस्या है, सब फिर भी सॉल्व होता है या नहीं। ठीक है, क्या है भैया ये सब आईसी है, मॉसफेट है, यही सब हम लोग निकाल करके लगाते हैं। इसमें भी हर एक तरह का आईसी है, मॉसफेट है,
करके लगाएंगे। यानी हर एक प्रकार का, हर एक नंबर का डिफरेंस नंबर का आईसी है। तो दोस्तों देखिए, अब हमने ये पार्ट्स बदली है। ये इतनी सारी समस्या थी, उसमें से ये सेक्शन का पार्ट्स कुछ कुछ खराब निकला, जो ये सिर्फ फॉल्टी था, मैं उसे चेंज कर दिया। तो फिर चलिए अब इसको मैं असेंबल करके चेक करता हूँ कि हमारा मशीन ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो अभी मैं फिटसिंग को असेंबल कर रहा हूँ, टच करके देख रहा हूँ। ये भी टाइट हो गया, उससे भी मैंने टाइट टाइट कर दिया। अब मैं इसको पहले मैं देख लेता हूँ, हमारा जो लैपटॉप शॉर्ट हो जा रहा था, शॉर्ट था, इसे मैं प्लग इन करता हूँ। ये रहा हमारा मशीन 19 वोल्ट आउटपुट, ये रहा, ये इसे मैं ऑन किया। ऑन करने के बाद देखता हूँ यहाँ पे ये जो रेड हो जा रहा था वो भी नहीं हुआ है रेड। अब इसे मैं ऑन करके देखता हूँ, ये रहा इसका पावर, इसे मैं शॉर्ट कराता हूँ। शॉर्ट कराने के बाद देखिए फैन भी मूव कर गया, यहाँ एम्पियर भी सही सलामत उठा लिया है, और ये देखिए फैन भी चल रहा, लैपटॉप अब प्रॉपर ऑन ऑन है। अभी इसे मैं रैम लगा करके देख लूँगा, डिस्प्ले भी आया है या नहीं, कि या फिर केवल लैपटॉप ऑन हो करके रह गया। तो इसके लिए मैं रैम को भी थोड़ा क्लीन कर ले रहा हूँ, रबड़ मार देता हूँ कि अगर डस्ट हो, मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए। रैम स्लॉट में भी ब्रश मार देता हूँ कि डिस्प्ले आने में कोई, अगर इस सेक्शन से कोई समस्या नहीं पड़े। थोड़ा स्क्रीन देना छोटो डेल वाला। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ, मैं इसको रैम लगा करके चेक कर लूँगा। स्क्रीन में मंगवाया हूँ अभी हम अपने स्टाफ से, जो फिर लेके आ रहा है, और उसके बाद मैं चेक करता हूँ। तो फिर देना जल्दी से ना। ये फैन को भी मैं थोड़ा क्लीन कर ही दे रहा था, ऐसे में डस्टी है नहीं, तो नहीं तो मैं क्लीन करता। ये रहा मेरा ये छोटू है, ये लेके आया स्क्रीन, और वो सुपर स्टार है जो 3 दिन छुट्टी मारता है, और मैं अपने और ये स्टाफ से इंट्रोडक्ट कराऊंगा आपको। चलिए पहले इसको चेक, हाँ नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, पहले मैं इसको ऑन करके देखता हूँ डिस्प्ले हम लोग का आया या नहीं। शायद ये सही से पुश नहीं हुआ, वो भी देखिए ऑन हुआ, एम्पियर भी ये देखिए स्क्रीन पे भी आ गया। और मैं फिर से दोबारा ऑन करके देखता हूँ, मैं आपका डेल का लोगो दिखलाना चाह रहा हूँ। ये रहा पावर, तो ये शॉर्ट करके मैं देख रहा हूँ, ये देखिए लोगो आया डेल, डेल का ये लैपटॉप है सर। देखिए दोस्तों ऑन हो गया ये लैपटॉप, फैन भी मूव कर रहा है। मैं इसे थोड़ा सा रोक करके देखता हूँ, ऐसे आप, मैं इसे उंगली से रोक करके रोका हूँ, लेकिन देखिए कुछ पल बाद फिर ये चलेगा। आप थोड़ा सा देखते रहिए, ये इसका फंक्शन होता है कि जैसे ही हीट होगा ये चलेगा, जैसे हीट होगा चलेगा, देखते हैं कितने टाइम में चलता है। और ये देखिए ऑन हो गया, देखते हैं कितना टाइम में रखता चलता है ये। 14 मिनट
चलिए अभी तो चलेगा, इसका फंक्शन है कि ये हीट होगा तो ये चलता है। इसको बाकी मैं असेंबल करवाता हूँ अपने स्टाफ से, जो छोटू इसको डिसेंबल किया है और वही असेंबल करेगा। ठीक है, आप उससे असेंबल होता है वही असेंबल करके चेक करेगा। बाकी कंप्लीट कसने के बाद आपको एक बार फिर से दिखलाऊंगा मैं।